अगली खबर मध्य प्रदेश से है, नकल पर नकेल कब। मध्य प्रदेश में पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं चल रही है, लेकिन मुरैना में परीक्षा के नाम पर कुछ और ही चल रहा था। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को नकल करवाई जा रही थी। ये नकल परीक्षार्थियों के परिजन ही करवा रहे थे। नकल करवाने के लिए बकायदा परिजनों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया था और परीक्षा हॉल में घुसकर बकायदा धड़ल्ले से नकल यहां पर करवाई जा रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। तो खुल्लम खुल्ला नकल यहां पर कराई गई है। शिक्षकों की मौजूदगी में यह नकल कराने की बात सामने आ रही है। तो पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं भी होती है, ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है कैसे मजबूत होगा, बच्चे पढ़ाई में कैसे अच्छे होंगे अगर इस तरह से ही खुद परिजन नकल बच्चों को करवाए, खुद ही उनको ये सिखाए कि वो इस तरह से गलत तरीके से परीक्षा को उत्तीर्ण करे, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश एक तरीके से हो रही है। लेकिन सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये सब जब चल रहा था तो टीचर ने उन्हें रोका क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या टीचर की सहमति से ये सब हो रहा था, क्या इस पूरे मामले को लेकर पहले भी इस तरह की कोई खबर आती रही है, इस तरह से कोई एग्जाम में होता रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से एक बार इसे दोहराया गया हो, और क्या इस पूरे मामले में कोई गंभीरता दिखाते हुए कोई ठोस बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इसके पहले 10वीं और 12वीं के जो पेपर लीक का मामला सामने आया था वो मामला अभी थमा भी नहीं था कि ये एक और मामला सामने आया है। ऐसे में परीक्षा की जो गोपनीयता है जाहिर तौर पर उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।